हे व्यूवर्स, तो की हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको देखने मिलते हैं 8,000 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने अपने चैनल में एक पोस्ट किया था और आपसे पूछा था कि कौन सा फ़ोन आप देखना पसंद करोगे, 10,000 के अंदर, 8,000 के अंदर या 15,000 के अंदर। तो 50% ज़्यादा लोगों ने बोला कि भाई 8,000 के अंदर कोई फ़ोन बता दो। तो मैंने भी कहा ठीक है, बता देते हैं आप लोगों के लिए कुछ भी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको देखने में मिलते हैं 8,000 के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी का रेट इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से सभी फोन्स का प्राइसिंग महंगा हो चुका है। तो 8,000 में कोई परफेक्ट फोन खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें बेस्ट स्पेसिफिकेशन हो ताकि आप लोग भी मजा कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें बड़ी से बड़ी बैटरी है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, इवन एक दो फोन में तो आपको पंच होल कैमरा भी देखने को मिलता है, साथ में 5,000 mAh की बैटरी, 4 कैमरा और अच्छा प्रोसेसर, जिसमें आप गेमिंग भी कर पाए। तो आज के वीडियो का लेटर रहता है 60 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक कर देना। लास्ट वाले वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट था और आपने 300 से प्लस लाइक कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे नए लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज भाई लाइक बटन को कंसिडर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, तोड़ फोड़ देना, ताकि ऐसे हम लोग कमाल की वीडियो आपके लिए बस लाते रहें। तो चलो ना, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फोन आता है, वो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी का 8A ड्यूल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको देखने को मिलता है 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, 7,500 में ये फ्लिपकार्ट के अंदर अवेलेबल है। बात करते हैं डिस्प्ले साइज के ऊपर, 6.22 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्राइस रेंज में बहुत सारे कंपनी आपको HD प्लस देखते हैं, लेकिन आपको रेडमी प्रोवाइड कर रहा है फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। बैक साइड में आपको ड्यूबल कैमरा है 13+2 MP का, जो अच्छी बात है, 8 MP की सेल्फी के साथ में आता है। 5,000 mAh का मैसिव बैटरी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ में स्नैपड्रैगन का 439 वाला प्रोसेसर है। जी हाँ फ्रेंड, स्नैपड्रैगन का 439 वाला प्रोसेसर इतना ताकतवर नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि जितना आपको गेमिंग अच्छा करवा पाए, लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि गेमिंग नहीं हो पाए। मतलब गेमिंग आप कर पाओगे, लेकिन हैवी गेमिंग नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज से फ़ोन चाहिए, या अगर आपको नॉर्मल यूजेस भी करना है, थोड़ा मोड़ा गेम भी करना है, तो 7,500 में मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है रेडमी का 8A ड्यूल, जो बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड, अगला फोन आता हुआ था रियलमी की तरफ से, रियलमी का C3। ये मेरा पर्सनल फेवरेट फोन है, ये भी आपको देखने मिलता है 7,500 के अंदर, 3 GB की रैम, 32 GB स्टोरेज वाला। अगर आपको 4 GB रैम चाहिए तो आपको 1,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब 8,500 देना पड़ेगा, तो आपको 4 GB की रैम मिल जाएगा। इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर, जो बहुत ही नया है और बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। बजट प्राइसिंग में मेरे से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, गेमिंग बहुत ही कमाल का हो जाएगा। 6.52 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। 12+2 MP का बैक कैमरा, साथ में 5 MP की सेल्फी के साथ में आता है। तो कुछ इस तरह देखने को मिलता है रियलमी का C3। ले सकते हो आप इस फोन को अगर आपको रियलमी का फोन चाहिए। मेरे सबसे अच्छा रहने वाला है, गेमिंग बहुत ही कमाल का होगा, इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग गेमिंग बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। अगर आपको गेमिंग करना है तो 7,500 में मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 1,000 इन्वेस्ट करोगे, मतलब 8,500 दे दोगे, तो 4 GB मिल जाएगा और अच्छा गेमिंग होगा, मल्टीटास्किंग और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। आप पे डिपेंड करता है कौन सा आपको सूट करता है, कैसा आपका नीड है, उसके हिसाब से फोन परचेस करना। तो फ्रेंड, अगला फोन आता है, वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स का हॉट 8। ये फोन मिल गया तो कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ही कमाल का फोन है। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही कमाल का फोन है। 8,000 में आपको देखने को मिल रहा है 4 GB की रैम, 64 GB स्टोरेज, 5,000 mAh का मैसिव बैटरी, ट्रिपल कैमरा सेटअप और बहुत सारा अच्छा आपको इस पर देखने को मिलता है। 6.52 इंच का फुल HD प्लस वाला नहीं, HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। 13+2+ एक लो लाइट सेंसर देखने को मिलता है, जो निकल के बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहें तो इन्फिनिक्स के हॉट 8 को भी कंसिडर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी फोन को दे दूंगा, लॉकडाउन के बाद ही ले पाओगे, ऐसे तो नहीं ले पाओगे। तो फ्रेंड, अगला फोन आता है, वो बहुत ही कमाल का दिखता है, डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 8,500 में ये फोन आपको देखने को मिलता है, ये है इन्फिनिक्स का S5 Lite। जी हाँ फ्रेंड, इसमें आपको देखने को मिलता है पंच होल डिस्प्ले। जी हाँ फ्रेंड, 8,500 के प्राइसिंग में आपको इन्फिनिक्स प्रोवाइड करता है पंच होल डिस्प्ले, मेरे सबसे बहुत ही कमाल का रहने वाला है। 6.6 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो HD प्लस वाला डिस्प्ले है, पंच होल कैमरा के साथ में आता है। 16+2+ एक लो लाइट सेंसर बैक में आपको देखने को मिल जाता है, मतलब ट्रिपल कैमरा का सेटअप है बोले तो। साथ में 16 MP की सेल्फी भी आपको देखने को मिल जाती है। 4,000 mAh का मैसिव बैटरी है, जो आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना इन्फिनिक्स के फोन में ज़्यादा अच्छा गेमिंग नहीं होता है, डिसेंट गेमिंग कर पाओगे। इन्फिनिक्स के हॉट 8 में भी आपको P22 देखने को मिल रहा था, और इसमें भी आपको P22 ही देखने को मिल रहा है। ज़्यादा गेमिंग में एक्सपेक्ट मत करना, पबजी आपको लोएस्ट ग्राफिक्स में आप खेल पाओगे, और फ्री फायर तो बहुत ही आराम से चल जाएगा। तो फ्री फायर के लिए कोई फोन चाहिए तो इन्फिनिक्स के फोन को आराम से ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड, मैं आखिरी फोन
आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी का 3i। ये भी फ़ोन पुराना हो चुका है लेकिन अभी के प्राइसिंग में आप इसको ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। तो अगर आपको फ़ोन चाहिए रियलमी का 3i भी ले सकते हो 8,500 में। ये भी आपको देखने को मिल रहा है 3GB का रैम 32GB स्टोरेज वाला। तो इसमें आपको देखने को मिलता है 6.22 इंच का HD+ वाला डिस्प्ले, साथ में आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। तो बैक साइड में आपको ड्यूबल कैमरा जिसमें प्राइमरी कैमरा 13MP का है, सेकेंडरी कैमरा 2MP के साथ में आता है। फ्रंट कैमरा आपको 13MP का देखने को मिलता है। 4230mAh का बैटरी है जो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको देखने को मिलता है MediaTek का हीलियो G60। तो अगर आप गेमिंग करना चाहें तो इसमें भी आप गेमिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के 5 फ़ोन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। इन 5ों में से आप कोई भी फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहीं पे बात करते हैं अगर मेरा कोई पर्सनल फेवरेट फ़ोन का इन सभी 5ों में से कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो सबसे पहले मैं रखूँगा रियलमी का C3 को, क्योंकि प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। उसके बाद आता है इन्फिनिक्स का हॉटेड, बैटरी बड़ी है और साथ में आपको अच्छा कैमरा भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको रेडमी का 8A Dual, उसके बाद आपको रियलमी का 3i। तो आप देखते हो अगर आपको 9,000 के अंदर, 8,500 के अंदर और इवन 8,000 के अंदर कोई फ़ोन परचेज करना है तो मेरे से बहुत ही कमाल का रहने वाला है। इन जो में से कोई भी फ़ोन को ले लो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुरंत जैसे लॉकडाउन खुलेगा फ़ोन परचेस कर लेना और कुछ नहीं। और न्यूज़ में ऐसा भी आ रहा है कि अब फ़ोन्स को भी एसेंशियल गुड्स में इंक्लूड किया जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी फ़ोन आप परचेस कर पाओगे एट देन, यही बोलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे क्योंकि वीडियो आपको मज़ेदार लगा ही होगा। तो चलो अब एक रैंडम कमेंट पिक करते हो, देखते हैं आज का शाउटआउट किसको जाता है भला। तो फ्रेंड्स, आज का सवाल रहता है अमन पाल को। तो अगर अभी आते हुए वीडियो में ऐसे फीचर होना तो इस वीडियो छोटा कमेंट करना, हो सकता है कल की वीडियो में ऐसी आपका नाम हो। ठीक है व्यूअर्स, मिलते मिलकर चिल करते हैं अपने आशा के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।